हुआ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। दशकों की मशक्कत, जोर आजमाइश, संघर्ष और आंदोलन के बाद अब 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उस समारोह में राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे लाल कृष्ण आडवाणी भी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। आडवाणी को पिछले साल 19 दिसंबर को ही निमंत्रण दे दिया गया था, उनसे 22 जनवरी को आने का अनुरोध किया गया था, लेकिन उम्र और सर्द मौसम को देखते हुए ये तय नहीं हुआ था कि वो आएंगे या नहीं। लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि आडवाणी आएंगे और मुरली मनोहर जोशी भी। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि आलोक कुमार लाल कृष्ण आडवाणी अपनी बढ़ती उम्र के कारण सभी कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो 22 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में जरूर शामिल होंगे। श्री कृष्ण गोपाल जी ने आश्वस्त किया उनके परिवार को कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी का कार्यक्रम में आना महत्वपूर्ण है, जरूरी है, सब चाहते हैं कि वो आए और इसलिए जो भी व्यवस्था वे करना चाहेंगे, जिसकी भी आवश्यकता होगी, वे सब व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे। हमको प्रसन्नता है कि 96 वर्ष की आयु में और अपने स्वास्थ्य के ठीक न होने के बावजूद उन्होंने आना स्वीकार किया है। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी दिया गया है और उन्हें दिल्ली में मोहन भागवत से राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और आलोक कुमार मिले और उन्हें 22 जनवरी के समारोह का न्योता दिया। बता दें कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया था कि आडवाणी राम मंदिर के उद्घाटन में जाएंगे या फिर नहीं, इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब इन सभी कयास और अटकलों पर विराम लग गया है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।